आप मीडिया में चल रही थी और तो वास्तविकता थी उनका ट्विटर हैंडल ही नहीं। अगर जनमत के माध्यम से अगर इनमें साहस है, नरेंद्र मोदी जी में अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, फिर देखते हैं कितने आते हैं। मैं तो कभी बैनर की लड़ाई भी नहीं करता, मैं चाहता हूं कि मेरा चित्र आप किसी मत लगाओ। एक बात सुन दो, मैं पूरे तरीके से इस बैनरबाजी के खिलाफ हूँ और मैं जब भी जाता हूं तो मैं कहता हूं कि मेरा बैनर मत, मैं पांच चीज़ों से कहता हूं कि मेरी पांच चीज़ों से नफरत है। एक तो दिग्गी राजा जिंदाबाद से मैं नफरत करता हूं, दूसरा मेरा चित्र जो है आप पोस्टर और बैनर पर लगाते हो मुझे ऐतराज़ है, ये प्रॉपर्टी राइट्स मेरा है आप लोगों का नहीं है। तीसरा बैंड बाजे ढोल धमाका से मेरा स्वागत नहीं होना चाहिए। चौथा आप ये ज़्यादा फूल माला वगैरह बड़ी बड़ी मालाओं से मुझे स्वागत पसंद नहीं है। और आखिरी में फटाके वटाके फोड़ना ये सब ठीक बात नहीं, तो इसलिए एक बात समझ लो जी, मैंने शुरुआत कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में की है, जमीनी कार्यकर्ता और मेरे लिए सबसे बड़ी इज्जत मुझे इस बात की है कि मैं ज़मीनी कार्यकर्ता सतह बना। मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी एक ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में काम किया, मैंने मुख्यमंत्री का भी पद एक ज़मीनी कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैंने इसीलिए मेरे पास कोई विभाग नहीं रखा और जनता से मैं मिलता रहता था। किसी की शिकायत नहीं थी कि दिग्विजय सिंह उनसे ना मिला, अगर वो भोपाल में आए तो बिना अपॉइंटमेंट के भी मैं सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक उनसे मिलता और जो कुछ कर सकता था। इसलिए ये लीडर की बात छोड़ दीजिए, मैं तो कार्यकर्ता था हूँ और रहूँगा। अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी तो भी ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर चुनाव करा ले, हम उनको चुनौती दें। बांग्लादेश में दो दो चुनाव निपट गए, वहाँ बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बन रहा है इन लोग, ये तो बेशरम लोगों से कोई उम्मीद करते हो आप कि कुछ उससे बात से ऐसा है। हम तो पिछली बार भी कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ कारण से नहीं हो पाया। मैं इस पक्ष का हमेशा से रहा हूँ कि हमें कम से कम 4 से 6 महीने पहले प्रत्याशी घोषित करना। देखिए दिग्विजय सिंह फैसला नहीं लेता, फैसला पार्टी लेती है। हम बहुत आभारी हैं माननीय मुख्य न्यायाधीश के जिन्होंने यह साहस दिखाया जी और न्याय किया जी। लेकिन ये बैलेट पेपर से हुआ था जी, यही अगर चुनाव ईवीएम से होता जी तो क्या पकड़ पाते जी? नहीं, आप ये बड़ी होशियारी करते हैं, सभी प्रांतों में ये ईवीएम का मैनिपुलेशन नहीं करते। मध्य प्रदेश की लगभग 126 सीटों पर इन्होंने मैनिपुलेशन किया था और ये सीटें वो चुनते हैं जहां भाजपा को स्पष्ट रूप से कहीं जीत नहीं है। उनके कैलकुलेशन में, उनके सर्वे में जहां बीजेपी साफ जीत रही है वहां मैनिपुलेशन जरूरत नहीं है उनको, जहाँ कांग्रेस के जीतने की संभावना होती वहीं मैनिपुलेशन करते हैं।